Hey guys, this is Deepak here and welcome to DB Fitness. आजकल हमें कोई भी कहीं से भी आके कुछ भी भेज दे रहा है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ फूड आइटम्स की. देखिए, पहले तो हम सब कुछ खाते थे. हम बिस्किट खाते थे, हम नूडल्स खाते थे, जो भी पैकेट में दुकान में मिलता था हम सब कुछ खाते थे, चिप्स हो गया और भी बाकी चीज़ें. लेकिन जब से हमें पता चला कि ये चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, जब से हमने डी बी फिटनेस के वीडियोज़ देखने स्टार्ट किए हैं, तब से बड़ी प्रॉब्लम हो गई इन कंपनी वालों को. इनकी जो सेल्स है काफ़ी गिर गई है, तो ये लोग भी बहुत चालाक होते हैं. अब इनने क्या किया कि वही फूड आइटम्स में लिखना स्टार्ट कर दिया, हाई इन फाइबर, हाई इन होल मेड ऑफ होल व्हीट, और जो फैट के प्रोडक्ट्स थे उसमें लिखने लगे हाई इन विटामिन ई. अब वो हाई कितना हाई है वही जाने, कोई उसकी डिजिट नहीं है वहाँ पे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. न्यूट्रिशन फैक्ट में कुछ नहीं लिखा है उसके बारे में, ठीक है. तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा उन कंपनी के, ऑब्वियसली एक मेरा छोटा सा चैनल है, उसमें भी कोई केस वेस हो गया तो वो बंद हो गया, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा. मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा आइटम अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, कौन सा आइटम बुरा है, कौन सा आइटम प्रोसेस्ड है, कौन सा आइटम अनप्रोसेस्ड है. हमें हमेशा अनप्रोसेस्ड फूड आइटम कंज्यूम करने चाहिए, राइट. तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप ये देखिए कि उस फूड आइटम ने कितना पाथ ट्रैवल किया है. जैसे अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स, आलू, प्याज, टमाटर लें, तो वो फील्ड से आए हैं, सीधे शॉपकीपर के पास आए हैं, वहाँ से आपकी प्लेट में आए, बहुत ही छोटा पाथ है. लेकिन ऐसे ही अगर आप प्रोसेस फूड आइटम का देखें, आप बिस्किट का देखें, चिप्स का देखें, भगवान जाने वो किन किन फैक्ट्री से क्या क्या मेकअप लग के वो आपके पास आए हैं, और जितनी उनकी प्रोसेसिंग हो चुकी है उससे उसमें जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सारे बह गए हैं, वो सारे वॉश आउट हो गए हैं, और उसमें सिर्फ अनहेल्दी चीज़ें बची हैं. ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है पता करने के लिए कि मैं ये फूड आइटम कंज्यूम करूं या नहीं करूं. अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं मॉल में, एक शेल्फ में आपको कुछ दिख जाता है, खाऊं कि ना खाऊं, हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, तो ये देखिए कि उस फूड आइटम ने कितना पाथ ट्रेवल किया है. वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके टू कंज्यूम पैकेज फूड आइटम एज वेल. जैसे अभी मैं गोवा गया था तो ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ वहाँ पे खाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो मेरे पास मैगी थी तो आई हैड इट. तो कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे ये समझ के खाना कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है और फिर उसे बहुत फ्रीक्वेंटली खाना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब आगे जाके, ठीक है. देखिए अब हुआ क्या, वो जो प्रोसेस फूड आइटम है वो बहुत सारा पाथ ट्रैवल करके आपके एक पैकेट जो आपके पास है उसमें है. अब उसमें हेल्दी कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ अनहेल्दी है, और उन लोगों ने उसमें लिख दिया है कि होल मेड ऑफ होल वीट, हाई इन फाइबर. आप खुद सोचिए कि अगर उसमें थोड़ा सा होल वीट और थोड़ा सा हाई फाइबर डाल भी दिया है तो क्या वो चीज़ हेल्दी हो जाती है? नहीं, राइट. ये तो वही बात हो गई कि मेरे पास एक दारू की बोतल है, लिकर की बोतल है, और उसमें मैंने दो बूंद गंगा जल डाल दिया और बोल दिया कि वो हेल्दी हो गया है. क्या वो हेल्दी हो गया है? क्या वो मुझे अब मेरी लिवर को और मेरी किडनीज को डैमेज नहीं करेगी वो ड्रिंक? करेगी. तो यही जो फंडा हो रहा है आजकल इन पैकेज फूड आइटम के साथ भी हो रहा है. इन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया होल व्हीट, ये वो, हाई इन फाइबर. बट नहीं, मैंने बहुत सारा जो फूड आइटम था वो कंपेयर किया, देखा कि क्या न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस हैं दोनों में. कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. जो होगा वो बहुत रेसेस में होगा, बहुत कम अमाउंट में उन्हें ऐड कर दिया होगा, लेकिन उसका आपकी हेल्थ को कोई भी बेनिफिट नहीं है. ओके गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी शेयर की थी, उसमें मैंने एक लिस्ट डाली थी कि फैट को किन किन नामों से प्रेजेंट किया जा सकता है और शुगर को किन किन नामों से प्रेजेंट किया जा सकता है. तो देखिए, अगर कंपनी ने उस फूड आइटम में शुगर के वो नाम लिखे हुए हैं तो आप पढ़ेंगे भी पीछे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि इसमें शुगर है या इसमें फैट ऐड है. तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हैं उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आई पोस्ट इट देयर डायरेक्टली. और छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी मैं वहीं पोस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके बारे में लिख देता हूँ कौन सी मसल की एक्सरसाइज है क्या है. एनीवेज, ये थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहा है. सो गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ. अच्छा खाइए, होल व्हीट फूड खाइए, अनप्रोसेस्ड फूड खाइए, पैकेज फूड के बहकावे में मत आइए, जो उसके कलरफुल रैपर्स हैं उनके पीछे मत भागिए. ओके, आपको अगर आप उनके पीछे भागेंगे तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको अपनी हेल्थ में डिफरेंसेस नज़र आते जाएंगे और आपकी हेल्थ ख़राब होती चली जाएगी और इस स्टेज में पहुंच जाएगी कि फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता. तो अभी से ध्यान रखिए, जब आपके पास चांस है तो ध्यान रखिए उस चीज़ का,
ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.